एबीएस रेडियो और टीवी फॉर यू के चाहने वालों, बशीर शाद का मतबाना सलाम कबूल कीजिए। टीवी फॉर यू में हर शोबे से तल्लक रखने वाले लोग शामिल हो चुके हैं और हो भी रहे हैं, तो यहीं पे हमारा एक शोबा अदब शनास का भी है, जिसमें वक्तन फ़ौक्तन हम उर्दू अदब या इंग्लिश का या किसी भी ज़बान का जो अदबी लबो लहजा है उसमें काम करने वाली शख्सियात को हम शामिल करते हैं। और आज हमारी मेहमान है टीवी फॉर यू की बुलबुले की इंचार्ज फरहीन चौधरी। तो आइए फरहीन चौधरी से उनकी किताब, उसका इक्तबास वो किस तरह पेश करती हैं, तो हमारे साथ रहिए। टीवी फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि हम मज़ीद आपकी राय पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको दे सकें। और प्रोग्राम आपको हर वक्त चाहिए तो बेल आइकन की घंटी दबा दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज संडे है और मैंने सोचा, क्योंकि संडे को अक्सर ये चीज़ आता है कि अगर आप ऑफिस ना जाएं या भाग दौड़ ना हो, सपोज़ फैमिली की भाग दौड़ तो होती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा रिलैक्स अगर कर रहे हो, कम से कम मेरी जैसा बंदा मैं तो मौके ढूंढती हूँ किताब पढ़ने के। सफ़र में भी मेरी कोशिश होती है मेरे हाथ में एक आधी किताब हो। तो आज मैं आप लोगों को अपनी किताब मुफ्ती जी और मैं, जो कि मेरी सिक्स्थ बुक है और मुफ्ती जी के हवाले से मेरी याददाश्तें हैं, इसमें 14 साल का उनसे ताल्लुक रहा। मैं एक स्टूडेंट थी उस वक्त 17-18 साल की जब मैं उनको मिली, फिर उनसे 14 साल एक बड़ा क्लोज ताल्लुक रहा, उस घर में एक बेटी जैसी हैसियत थी। तो मुफ्ती जी और मैं की किताब, आई एम रियली ग्रेटफुल टू नसीर अहमद नासिर साहब, बहुत अच्छे शायर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुफ्ती जी के इतनी क्लोज थी, शरीर पब्लिकेशन को आजकल वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो मुझे कहने लगे कि तुम मुफ्ती जी के हवाले से कुछ लिखो। मैंने कहा मैं तो सारा वक्त अभी तक उनमें, मतलब उनकी बातों में, उनकी ज़ात के साथ अपने आप को बहुत ही मुंसलिक महसूस कर रही हूँ। तो मुझे भी नसीर अहमद नासिर साहब कहने लगे, ऐसा करो कि तुम उन पे किताब लिखो, हम छापेंगे। मैंने कहा, उसे कहते हैं ना नेकी और पूछ पूछ, मैंने कहा जी ठीक है। सो ये किताब मुफ्ती जी और मैं, आप देख सकते हैं ये मुफ्ती जी और मैं, देखें इसमें आप लोग क्लियर देख सकते हैं मुफ्ती जी और मैं। ये किताब मैंने बस ऐसी 2-3 हफ्ते में लिख ली, और नज़र आ रहा होगा आप लोगों को ये इसका बैक टाइटल है। तो मैं अभी इसमें से कुछ आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा सुनाती। सुने और अगर हो सके तो आप शरीर पब्लिकेशन से, फेसबुक पे पेज भी है उनका, यू कैन कॉल एंड आप लोग किताब मंगवा सकते हैं। मैंने स्पेशल और उन्होंने स्पेशल इस किताब पर डिस्काउंट रखा है, मकसद ये है कि किताब पहुंचे लोगों तक। तो जनाब मैं सुनाती हूँ आपके इसमें से थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं। मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था ना कि मुफ्ती जी के हवाले से जो मैंने किताब लिखी है मुफ्ती जी और मैं, उससे कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको पढ़ के सुनाती रहूँगी। आज चूँकि संडे है और मैंने सोचा कि चलिए आपका संडे थोड़ा सा बीच में से आप टाइम निकाल सकेंगे तो इसको आप सुने। मुफ्ती जी के हवाले से, जाहिर है 14 साल एक घर में, मतलब बहुत छोटी से टीन एज से लेके टिल एक थोड़ी सी मैच्योर एज तक उस घर में एक बेटी की हैसियत से आना जाना रहा, वहाँ पर और बहुत खूबसूरत लोगों से मुलाकात रही उनकी फैमिली के साथ। तो उस हवाले से इस किताब में
मतलब जो कुछ मैंने महसूस किया, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मेरे अंदर समाया, यानी बहुत कुछ ऐसा ऐसा देखा, ऐसा सुना, ऐसा महसूस किया जो आप हर किसी से मिलकर नहीं महसूस कर सकते। वो एक अलग से अनोखे से इंसान थे, मैं इनको कैटेगराइज नहीं कर सकती। बट जो कुछ मैंने महसूस किया, मैंने उसको पूरी ईमानदारी के साथ लिखा, उसमें एक लफ्ज़ का भी मुबालगा नहीं है। और इसकी मेरे ख्याल सबसे बड़ी गवाही ये है कि इस किताब को सुन के, पढ़ के अक्सी, उनके बेटे ने, अक्सी मुफ्ती, मैंने उनके साथ भी काम किया है, उन्होंने इसका तिबाचा लिखा। और फिर इसका जो फंक्शंस हुए पहले, उन्होंने उसमें, उन्होंने एज चीफ गेस्ट अपनी गुफ्तगू भी की। और ये एक बहुत बड़ी सनत है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो लोग चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं, उनके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि बढ़ा चढ़ा के मुबालगा आरई होती है, खुद से बहुत कुछ ऐड कर दिया जाता है, अब चूंकि उसको कंफर्म करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल ही मेरी खुशकिस्मती है, और इसका क्रेडिट सरीर पब्लिकेशन के नसीर अहमद नासिर साहब को भी जाता है कि उन्होंने वाकई मुझे इंस्टिगेट किया। कहने लगे तुम्हारी, मैंने कहा मेरे जहन में तो बहुत कुछ है, तो कहने लगे फिर लिखो, हम छापते हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो अब ये जो है, इसमें जो मैंने एक थोड़ी सी आप लोगों के लिए आज चुना चंद दो एक आधा पेज, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ये ऐसा था कि मुफ्ती जी के पास लोग आते थे, खवातीन आती थी और मतलब अपने हवाले से कुछ ना कुछ उनके मसाइल होते थे, ऐसे जिक्र कर देती थी। और वो और कुछ नहीं, तो जैसे होता है कि आप किसी का दर्द सुन ही लें, ज़रूरी नहीं कि आपके पास दवा हो, आप किसी का दर्द सुन लें, उसका बोझ हल्का हो जाता है। ये मैंने और बहुत लोगों के अलावा मुफ्ती जी से भी सीखा। सुन लिया, आप राय ना दें, आप मशवरा ना दें, लेकिन ये अगले को ये फील हो कि दिस समबडी। देखिए कहते हैं ना कि जब आप बहुत दुखी होते हैं, आप दीवार से भी बात कर लें तो आपका दिल हल्का हो जाता है। तो मुफ्ती जी कुछ ऐसी, एक ऐसी ही दीवार तो नहीं, मैं उनको स्पॉन्ज कहूँगी, यूँ चूस लेते थे दूसरों के दुख को, दूसरों की तकलीफों को। खैर, तो इस तरह एक खातून आई बैठी थी उनके पास, तो कुछ अपनी बेटी की वजह से परेशान थी। तो मुफ्ती जी ने कहा, ये मैं अब जो लिखा हुआ आपको सुना रही हूँ, मुफ्ती जी कहने लगे कि आपका बेटा खुद सबसे बड़ी रुकावट है अपने रास्ते की, और ये रुकावट ही आपकी आजमाइश है। फिक्र छोड़ दें, मस्त हो जाएं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुफ्ती जी के इन अल्फाज पर औरत की आंखें चमक उठी, शिद्दत जज्बात से आंसू बहने लगे। वो अकीदत की मारी शुक्रगुजारी और इत्मीनान के जज्बात से लबरेज दुआएं देती रुखसत हो गई। मुफ्ती जी थोड़ी देर तक खामोश बैठे, छत को देखते रहे, फिर मेरी जानिब देखे बगैर कहने लगे, अल्लाह माफ कर। मैं इस सारे मंजर में भटकती हुई कहीं पसे मंजर में खो चुकी थी। चौंक कर बोली, किसे? मुझे? उनके लहजे में कुछ ऐसी अजीब सी बात थी कि मैं गु देखती रह गई। फिर कहने लगे, क्या करता? उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। बुजुर्ग बन बैठा, वो आजजी में भीगे हुए थे। तो क्या हो गया? आपने कौन सा कोई दम दरूद या चिल्ला कशी का काम बता दिया? एक परेशान हाल की दिलजोई करती और बस, मैंने कहा, ओहो तुम नहीं समझती। आई तो वो किसी हद तक शक की हालत में थी मेरे बारे में, मैंने उसे अपनी बुजुर्गी की सनद अता करके भेज दिया। अरे मैं तो खुद सारी जिंदगी अल्लाह वालों से भागता रहा, बल्कि उनसे एलर्जिक रहा। हाँ, कुछ बाबों के पास बैठने से या उनको मान लेने से मैं खुद तो बाबा नहीं बन गया। ऐसे ना खुद को मुजरिम बना लें हस्बे आदत, मैंने कहा। डॉक्टर भी तो मरते मरीज को सेहत की नवीद सुनाते हैं, होगा तो वही जो लिखा हुआ है, बेहतर हो गया तो आपको दुआ ही देगी। मुफ्ती जी बेबसी से बोले, मुझे तो डर है कि वो कहीं अकीदत में ना लुथड़ जाए मेरी।
ओ, यानी आपको यकीन है कि जो आपने कहा वो हो जाएगा? मैंने खोजा। मुफ्ती जी फौरन अलर्ट हो गए, हमेशा की तरह अपने सामने चिक तान ली। कहने लगे, वो मैले कुचैले लोगों की ज्यादा सुनता और उनका भरम रखता है। वो क्यों? मैंने फिर कुरेदा। अपना आप जो मनवाना चाहता है, कभी डांट से कभी प्यार से। इस जुमले के साथ ही उन्होंने अपनी जानिब खुलती हुई खिड़की बंद कर दी और बच्चों की सेहत के बारे में सरसरी सी अंदाज में गुफ्तगू करने लगे। कितने चालाक थे आप मुफ्ती जी, एक आध झलक से आगे देखने ही नहीं देते थे। शायद कशिश कायम रखना चाहते थे, या इससे ज्यादा कि आपको इजाजत नहीं थी। शहाब साहब वाली आते आपने भी अपना ली थी। बहुत सारी बातें आप अधूरी छोड़ गए और मेरे बहुत सारे सवालात तिशना रह गए। ये उसमें से थोड़ा सा एक झलक है उस किताब की। मुफ्ती जी शायद मैं कहती हूँ, जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनसे आप इस हद तक मुतासिर होते हैं कि वो आपके हर लम्हे में आपके साथ होते हैं। मुफ्ती जी एक ऐसा रिश्ता था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकती। वो मेरे बाबा जी भी थे, वो मेरे गुरु भी थे, वो मेरा बाप भी थे, मेरी माँ भी थे, मेरा दोस्त, मेरी सहेली, सब कुछ थे मेरा। और कुछ ऐसी उनमें कशिश थी और कुछ ऐसी उनके अंदर एक सफाई थी, एक शफाफियत थी। पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या था, बट बहुत कुछ था। कुछ कुछ ऐसा था जो हर किसी में नहीं होता। और मैं उनके बारे में बात भी करती हूँ ना, तो मेरी आंखें भीगने लगती हैं अभी भी। मुझे अभी भी महसूस होता है मेरे साथ हैं, हालांकि 95 में उनकी डेथ हुई थी। और 95 को कितना टाइम गुजर चुका है, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे कभी अलग नहीं हुए। मेरी जिंदगी के हर लम्हे में, जिंदगी के हर डिसीजन में, हर मौके पे मैंने उनको याद किया। वो मेरे साथ होते हैं। और बहुत सारे आप लोग जानते हैं, बहुत सारे राइटर्स, कि मैं आज भी उनकी खातिर लड़ती हूँ लोगों से। मुझे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई उनके बारे में गलत बात करे। क्यों? इसलिए कि मैंने उनको जिस आंख से देखा है और जो कुछ उनके अंदर था, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। नुमाइशी लोग तो बहुत हैं, खास तौर पे हमारी राइटिंग की दुनिया में, आपको पता है नुमाइश ज्यादा है और असल काम कम है। लेकिन उनकी जो चमक थी, जो मुफ्ती जी की चमक थी, जो उनकी वाइब्स थी, वो कुछ खास स्पॉन्जेस उनको ऐसे फील करते थे और उन्हें महसूस करते थे। और उनका, बस मैं सिंपली कहूंगी कि उनका फैज आज भी जारी है। और मैं समझती हूँ कि मेरी राइटिंग्स, लिख तो खैर मैं अरसे से रही थी, हालांकि, और मजे की बात है कि मैंने, मेरी और उनकी कभी अदब पे डायरेक्ट गुफ्तगू कभी नहीं हुई इन 14 साल में। हम जिंदगी की बातें करते थे, हम आम बातें करते थे, रिश्तों की बातें, लोगों की बातें, उनके दुख दर्द की बातें और मसाइल की बातें। हमने अदब पे सिवाय राब्ता की मीटिंग्स के, या हल्कर बाबे जौक में अगर कोई, तो वहाँ जैसे सबके साथ एक नॉर्मल गुफ्तगू, वही गुफ्तगू, कभी हमारी खास तौर पे अदब पे बात नहीं हुई। लेकिन मेरा ख्याल है अदब ही तो जिंदगी का एक एक गोशा है। और जो शख्स आपको जिंदगी का सलीका सिखा दे, और जो शख्स आपको सच्चाई की खातिर डट जाना सिखा दे, आपकी रूह को तरावट बख्श दे, तो लिखना या अदब, ये तो जिंदगी की किताब का सिर्फ एक चैप्टर है। बाकी जिंदगी की किताब तो बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है, बहुत अधूरी रह जाती है।
इस किताब को मेरा ख्याल पूरा कभी कोई ना पढ़ पाया ना पढ़ पाएगा सिवाय चंद अल्लाह के खास बंदों के। एनीवेज हैव अ नाइस संडे, इंजॉय। और आज तो संडे, आप लोग या तो सैर सपाटा करने जाएंगे या अच्छी अच्छी डिशेस खाएंगे घर पे। सो व्हाटएवर यू डू, एंजॉय इट एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर।